पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग के आसार बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो दोनों देशों के बीच हालात बने हैं, क्योंकि पहले ईरान ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक ही दिन में जवाब देते हुए ईरान पर भी आतंकी हमले किए हैं। और इन दोनों ही हमलों में ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों की भी मौत हुई और ईरान के कुछ लोगों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान ने गुरुवार तड़के ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए। ईरानी समाचार एजेंसी ने इस हमले में 3 महिला 4 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत की खबर दी पहले, हालांकि बाद में यह संख्या बढ़कर 9 हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच अब जंग छिड़ने के आसार पैदा हो गए हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान से संयम बरतने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से संयम बरतने का अनुरोध किया है और आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठाने की अपील की है, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव और बढ़े। दरअसल बलूचिस्तान में बुधवार को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद से पाकिस्तान काफी भड़का हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कल बुधवार को ही ईरान से अपने राजदूत वापस बुला लिया और पहले से तय सारी द्विपक्षीय यात्राओं को वहां सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार सुबह एक बयान में कहा कि तड़के पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर समन्वित और लक्षित सैन्य हमले किए। उसने कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए। उधर ईरान की एक समाचार एजेंसी ने सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान द्वारा सीमावर्ती गांव पर किए गए मिसाइल हमले में 3 महिलाओं 4 बच्चों सहित कुल 9 लोग मारे गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार तड़के 4:50 पर सरवन शहर के इलाके में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई और जांच के बाद हमें ये पता चला कि पाकिस्तान ने ईरान के सीमावर्ती गांव से एक मिसाइल से निशाना बनाया है। इसके अलावा सरवन शहर के पास भी एक धमाका हुआ, जहां कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान के हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमलों ने पश्चिम एशिया के अस्थिर क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, जहां पहले से ही गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध और यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने से तनाव व्याप्त है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा बयान में कि यह कार्रवाई सभी खतरों के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। वहीं एक सूत्र ने कहा कि ये हमले पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए। इस दौरान लड़ाकू विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर थे। मानव रहित विमान के माध्यम से खोजबीन के बाद आतंकवादियों की उपस्थिति की पुष्टि हुई और कुल 7 ठिकानों को हमले के लिए चुना गया। उन्होंने बताया कि हमले में किसी भी ईरानी नागरिक और सैन्यकर्मी को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके यहाँ जो हमले किए गए मिसाइल से उसमें 3 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कुल 9 लोग मारे गए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि पहले ईरान द्वारा पाकिस्तान पर किया गया अटैक और फिर पाकिस्तान का एक ही दिन में इसका बदला लेना, और दोनों ही मुल्कों के लोगों की इसमें मौत भी हो गई, यानी तनाव बना हुआ है। लेकिन अब देखना यही है, क्योंकि पाकिस्तान अपील कर रहा है ईरान से कि उसे संयम बरतना चाहिए, लेकिन अब देखना है कि क्या ईरान पाकिस्तान के इस हमले का फिर से जवाब देगा, और अगर ईरान ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों देशों के बीच जंग की आहट है।